भाई ऐसी आवाज नहीं चलेगी। चेवेल्ला वालों, इतने समय के बाद आया हूं, तेलंगाना में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है तो ऐसी आवाज से नहीं बनती है। मोदी जी दिल्ली में है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग उठाएं, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बंडी संजय कुमार जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री श्रीमान किशन रेड्डी जी, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री इटेला राजेंद्र जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान तरुण चुग जी, श्रीमती डीके अरुणा जी, श्री पी मुरलीधर राव जी, श्री प्रेमेंद्र रेड्डी जी, यहां के जिला अध्यक्ष महोदय, और आज इस विराट सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, श्रीमान विश्वेश्वर रेड्डी जी खड़े हो जाइए, आप जरा ताली बजाओ विश्वेश्वर जी के लिए। और आज आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज सबसे पहले जगत ज्योति बसवन्ना को उनके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज तेलंगाना की इस पवित्र भूमि में चिलकुर बालाजी, श्री वेंकटेश्वर स्वामी, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, श्री महेश्वर महादेव को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। इसी धरती से आंध्र प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और जागीरदारों के खिलाफ किसानों के विद्रोह की लड़ाई लड़ने वाले कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी जी को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज ये विशाल रैली जो दिखाई पड़ती है वो इस बात का सबूत है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहां पर 8-9 सालों से बीआरएस का जो भ्रष्टाचारी शासन चल रहा है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीआरएस और केसीआर, इनके विरोध में ये जन आक्रोश पूरी दुनिया देख रही है। मित्रों, तेलंगाना के ही पद्म भूषण बड़े गुलाम अली खान जी की भी आज पुण्यतिथि है, मैं इनको भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, अभी अभी हमारे बंडी संजय को केसीआर ने जेल में डाल दिया है। उनको लगता है कि भाजपा कार्यकर्ता जेल में जाने से डरते हैं। केसीआर, कान खोलकर सुन लो, यहां एक एक कार्यकर्ता आपके अत्याचार और जुर्म सहने से डरता नहीं है। हमारी लड़ाई तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आपको गद्दी से नीचे नहीं उतार देते हैं।
मुझे बताओ तेलंगाना वालों, बंडी संजय कुमार की अरेस्ट से आप सहमत है हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? मैं आज पूछना चाहता हूं केसीआर को, क्या गुनाह था बंडी संजय कुमार का? एक ही गुनाह था कि उन्होंने पेपर लीकेज के खिलाफ युवाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाए। आपने बंडी संजय कुमार को जेल में डाल दिया, 24 घंटे भी नहीं रख पाए, 24 घंटे में कोर्ट ने बेल देकर रिहा कर।